तो मुझे काफी चीजें समझ में आने लगी, जो ऊपर से ग्लोरिफाइड रोल है ना ये कि इंजीनियरिंग के साथ काम करते हो, डिजाइन के साथ काम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कि प्रोडक्ट मैनेजर्स इसलिए इंडिस्पेंसिबल होते हैं क्योंकि वो यूजर वैल्यू पे बहुत फोकस्ड होते हैं। वो अभी पीपल हैव अ वेरी रॉन्ग नोशन अबाउट हाउ प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज डन। प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लोग समझते हैं एक ग्लोरिफाइड लाइफ में एक प्रॉब्लम डिटरमिनिस्टिक है। देयर वाज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट दैट इफ यू सर्च सिम्टम्स ऑन गूगल, अगर जिंदगी में सब कुछ तुम्हें पॉजिटिव ही मिल रहा है ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ खराब हो रहा है तुम्हारे साथ। कि मुझे तो एक अच्छा पीएम चाहिए, मुझे आईआईटी आईआईएम या हार्वर्ड नहीं चाहिए। कि अ पीएम शुड बी एक्सेसिबल, नो कोर्स नो बुक इज गोइंग टू टीच यू दिस। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज मैं सैक्रिफाइस करूंगा तो मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर लेगा, लेकिन उनका माइंडसेट तो वैसा ही, उनको तो पता ही नहीं है कि पैशन इकोनॉमी जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बहुत अच्छा कोट दिया था कि मोर ऑफन देन नॉट पीपल हु आर नॉट वरीड अबाउट द रिवॉर्ड आर टिपिकली 10x मोर सक्सेसफुल। So hi guys, welcome back to the channel. I am Nishant Chahar. तो आज हमारे साथ है श्रवण सर। He is currently working at Byju's as a product management lead. ठीक है, तो सर से आज हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि what is product management, what is the difference between a product manager and a software development engineer. ठीक है, what you should do, how can you become a product manager, and अलग अलग companies के experience जिसमें सर ने काम किया हुआ है। तो पहले एक सर का छोटा सा introduction ले लेते हैं, फिर आगे proceed करेंगे। Hi guys, before moving forward, तुम्हारे लिए एक message है कि जो भी लोग अभी interview के लिए prepare कर रहे हैं, advanced data structures या फिर तुम्हारे graph के कुछ algorithms या फिर KMB types, जो भी तुम्हारे advanced वाले algorithms होते हैं ना, उन सब के लिए Unacademy और CodeChef एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 3 months का क्रैश कोर्स है, विच विल बी टेकन बाय तुम्हारा संकेत सिंह एंड रिया बंसल मैम। ठीक है, तो संकेत सिंह सर तुम्हारे अभी लिंक्डइन में SGE हैं एंड ही हैज बीन अ फॉर्मर SGE एट इंटरव्यू बिट, और उन्होंने GSOC भी कर रखा है, तो भाई तुम्हें पता ही है, वो टॉप एजुकेटर है ही। उसके बाद रिया मैम इज करंटली एन SGE एट फ्लिपकार्ट एंड वो भी पहले SGE थी तुम्हारे इंटरव्यू बिट में, एंड उन्होंने तुम्हारा गूगल टेक मेकर स्कॉलरशिप ले रखी है। काफी सारे दोनों अच्छे टीचर्स हैं एंड दोनों टॉप एजुकेटर्स हैं तुम्हारे अनअकैडमी पे, तो यार दोनों ने वो सारे इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स क्रैक कर रखी हैं जो हम सब ड्रीम करते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स एट अनअकैडमी अपार्ट फ्रॉम मी ऑफ कोर्स। तो जाके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करो एंड चेक आउट द कोर्स स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू निशांत, थैंक्स अ लॉट, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई ऑलवेज लाइक यंग एंड बडिंग पीपल हु आर सो पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल एंड आल्सो हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट दे शुड डू इन योर करियर। कहीं ना कहीं सेशन को इनफॉर्मल रखते हैं यार, बिल्कुल वैसे ही रखते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो यार ऐसा था कि कॉलेज में मैं भी ऐसे ही गया तुम्हारी तरह, कि कॉलेज में कुछ ज्यादा पता नहीं था, घर वालों ने बोला यार IIT चले जाओ, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, तो द सेम जार्गन दैट एवरीवन यूजेस एवरीवेयर। बट देन अगेन IIT गया, वहां पे क्या हुआ यार कि अब मैं मेटलर्जी से था, तो मेरी ब्रांच मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी। तो सेकेंड ईयर में यार एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हम लोग दिल्ली जाते थे एंड वी यूज्ड टू गो टू दिल्ली अलॉट, एंड वी यूज्ड टू फिगर आउट दैट व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो आउट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पुलिस वाले पकड़ लेते थे, एंड हमारे पास पैसे कितने होते थे, लाइक वी यूज्ड टू हैव 3,000 bucks व्हिच द फादर हैज सेंट, तो जितना हम जाने में लगा देते थे उससे कहीं ज्यादा तो चालान में दे देते थे। सो विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप विद नो एजेंडा इन माय माइंड। इट वाज नॉट अ स्टार्टअप, इट वाज मोर लाइक एन ऐप। ठीक है, अब स्टार्टअप अभी उसको मैं रेट्रोस्पेक्टिवली बोल रहा हूँ, बट देन अगेन उस टाइम पे ऐप था एंड्रॉइड बहुत नया नया था, तो वी डिड समथिंग कॉल्ड वेज फॉर एप्स। वेज फॉर एप्स बेसिकली क्या होता है कि यार तुम शुरू करो और तुम में एक पोजीशन पिन कर सकते हो और वहां पे बोल सकते हो कि लाइव में ये बंदा यहां पे खड़ा है, एंड गूगल हैज परचेज्ड दैट प्रोडक्ट फॉर $1 billion। मतलब वेज एक कंपनी है जो ऑलरेडी गूगल ने खरीदी थी, तो हमने भी कुछ वैसा ही शुरू किया था इन दोज लाइंस ओनली। व्हाट हैपेंड वेरी इंटरेस्टिंगली कि एक दिन अचानक से 2 महीने बाद मैं देखता हूं कि उसके 3 लाख डाउनलोड हो गए, और 3 लाख डाउनलोड इंडिया से नहीं हुए हैं, एरिजोना US से हुए हैं, और ऑर्गेनिकली कोई मार्केटिंग नहीं, हमने प्ले स्टोर में वैसे ही डाल रखा है। तो अचानक से यार मैं बोलता हूँ यार ये हो क्या रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वी रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम दिस लार्ज एंटरप्राइज सिक्योरिटी फर्म इन द US कॉल्ड ADP। तो उन्होंने हमें बोला यार कि वी वांट टू बाय दिस। तो मैं पहले तो ये सोचा यार कि यार ये तो नाइजीरियन स्कैम है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन द एंड व्हाट हैपेंड, वी सोल्ड ऑफ दैट एंड आई मेड अ बंच ऑफ मनी फ्रॉम दैट। बट उससे मुझे पता क्या चला, उससे मुझे ये पता चला यार कि एज अ यूजर इफ आई कैन मेक अ करियर इन समथिंग which I truly like and that is solving people's problems. I was always a jugadu guy bachpan se ki kuch na kuch karta rahunga, kuch na kuch karta rahunga. So I realized that if I can make a livelihood doing this, this is something that really excites me. So fourth year ke baad I knew
being an entrepreneur coming from an upper middle class family, itna capital nahi hota logon ke paas ki yaar ki I can start my own company. And I was too new into the system. Mere ko pata nahi tha ki entrepreneurship hoti kaise hai, kya hota hai. But fortunately, I got to know about this book called Inspired by Marty Kagan. And I read that about it. And kahin na kahin mujhe samajh mein aaya yaar ki product management ki kuch to similar hai yaar usse. Matlab us time pe bhi bahut pata nahi tha, but yes, it is slightly similar to that. So I thought, yaar, why not give it a shot? तो फ्लिपकार्ट में नौकरी लगी एंड देर वर सर्टन अदर ऑप्शंस कि मेरे पास यंग इंडिया फेलोशिप का ऑप्शन था, कुछ और ऑप्शंस थे, बट मैंने कहा यार नौकरी करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई वाज देयर फॉर लाइक 7-8 odd months एज एन एनालिस्ट एंड 8 महीने में फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैं प्रोडक्ट टीम के साथ बहुत क्लोजली काम किया और मुझे समझ में आया कि यार प्रोडक्ट मैनेजर्स फीचर्स कैसे बनाते हैं, वो यूजर वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, देन ये कैसे डिफाइन करते हैं कि यार एक यूजर को अगर आज मैं एक शर्ट खरीद रहा हूं तो मैं उसको कैसे रिकमेंड कर रहा हूं कि शर्ट के साथ उसको साइमल्टेनियसली एक टाई भी खरीदनी होगी अगर वो फॉर्मल शर्ट है. तो यार ये सारी चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. मैंने कहा यार ये तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग है यार, और ये तो नई नई चीजें ऐप पे जो नई चीजें आ रही हैं ये लोग बना रहे हैं. तो मैंने बोला यार कि मुझे ये करना है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यार कि यू आर टू यंग, इतनी जल्दी तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है. सो द सेम क्वेश्चन दैट एवरीवन आस्क्स ना कि यार तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है. मैंने बोला जब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू प्लेसेस एंड फॉर्चुनेटली आई हैड माय पीपल इन माय नेटवर्क. एंड एक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप था उस टाइम पे, काफी छोटा था, ब्लैकबक करके नाम था, 50 मिलियन के आसपास उनकी वैल्यूएशन थी. एंड उधर के जो हेड ऑफ प्रोडक्ट थे उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं यार ये लड़का स्मार्ट है, इसको मौका देते हैं. एंड After an interview, he gave me an associate product manager role, जिसमें उन्होंने मुझे बोला यार कि तुम्हारा major काम as an analyst ही रहेगा, लेकिन 20-30% हम तुम्हें product भी करने देंगे. Okay. तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, कुछ तो मिला, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, अच्छा लगता है तो ये करके देख लेते हैं. So analyst, as an analyst, I was smart, इतना तो था ही, तो मैंने अच्छा काम किया तो I used to get spare time enough to spend enough time with the product team to design the features. And fortunately, kya hua ki with the span of 9-10 months, they promoted me very rapidly. I was an outstanding performer. And kahin na kahin ek PM bana diya. Aur maine unke pricing app pe bahut kaam kiya. To mujhe kafi cheeze samajh mein aane lagi. Jo upar se glorified role hai na ye ki engineering ke saath kaam karte ho, design ke saath kaam karte ho, ye karte ho, wo karte ho. Matlab, you are the cornerstone of the company. ये समझ में आया कि यार ये सब तो है ही नहीं प्रैक्टिकली, ये तो सिर्फ उसका एक नुआंस है, ये तो सिर्फ उसका एक बाय प्रोडक्ट है. असली चीज ये है कि प्रोडक्ट मैनेजर्स इसलिए इंडिस्पेंसिबल होते हैं क्योंकि वो यूजर वैल्यू पे बहुत फोकस्ड होते हैं. वो अपने आप को यूजर के शूज में रखते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार अगर ये यूजर को पसंद आता है तभी मैं करूंगा. और पसंद की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द बिगेस्ट डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस और पसंद, वैल्यू कम्स फ्रॉम कंपैशन कि यार कि मेरे मन में करुणा है. अगर जैसे तुम रास्ते में चल रहे हो और तुम देख रहे हो एक भूखा इंसान है, तुम उसको कुछ खिला दो तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है. एंड यू सी स्टोरीज अबाउट दैट ऑन लिंक्डइन कि आई डिड दिस आई डिड दैट राइट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट, दैट इज कंपैशन, दैट यू हैड कंपैशन फॉर दैट पर्सन एंड यू ट्राइड टू डू दैट. एंड कंपैशन से नीचे क्या होता है, हैप्पीनेस होती है राइट. सो एज प्रोडक्ट मैनेजर्स वी ऑलवेज ट्राई टू पुट द इनटैंजिबल इनटू द टैंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ राइट. व्हाट आई मीन बाय इंटेंजिबल, अगर मैं तुझे बोलूंगा निशांत खुश है, इसको मैं किसी मेट्रिक में डिफाइन नहीं कर सकता, मैं कोई मेट्रिक नहीं लिख सकता कि यार आज निशांत 23% खुश है. लेकिन मैं ये जरूर डिफाइन कर सकता हूं कि अगर निशांत ने आज हेयर कट किया है और उसका हेयर कट बहुत अच्छा है राइट, एंड दैट हेयर कट इज टिपिकली 8 out of 10 times ही लाइक्स राइट. सो आई कैन से दैट इज समथिंग दैट निशांत लाइक्स. फिर क्या हुआ, फिर ब्लैकबक के बाद आई मूव टू दिस कंपनी कॉल्ड टाइम्स इन्वेस्टमेंट लैब्स. वहां पे मैंने रियल एस्टेट में काम किया. आई वाज वर्किंग क्योंकि मन में ये था यार कि काफी डेटा प्रोडक्ट्स पे काम कर लिया है, अब फ्रंट एंड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करते हैं, कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करते हैं जहां मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं. क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वहां पे कंज्यूमर बिहेवियर और साइकोलॉजी बहुत पता चलती है. जैसे अब यू आर क्रिएटिंग अ यूट्यूब वीडियो, a lot of people are also engaged because of the enthusiasm that you bring into the video right. So that is the thing. So kahin na kahin magic bricks mein kaam kiya, gana mein kuch der kaam kiya, fir after that I wanted to move back to Bangalore. And in the last 3 years I fell in love with what I do currently, which is education. And education has a large scope. I think the two pillars which are going to drastically change India in the next 10 odd years is education and healthcare. So I worked for this company called Edureka, eventually ended up leading their business. I was working there as a senior PM, leading search and personalization. They had a lot of courses about AI, data science,
and whatever you do. And finally, in Byju's, I work as a lead product manager where I take care of their synchronous learning platform. Synchronous gyan hai. Synchronous ka matlab hota hai ki तुम एक ट्यूशन क्लास बना रहे हो लेकिन उसको ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ट्यूशन क्लास के कोर एस्पेक्ट्स दैट इज बेसिकली फ्रेंड्स फ्रेंड्स स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन स्टूडेंट ट्यूटर इंटरेक्शन स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तुम एडवांस टेक्नोलॉजीज की वैल्यूज भी दिखा रहे हो क्योंकि एक ट्यूशन क्लास में क्या होता है टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देता है और दूसरा एक ऑन द कॉन्ट्ररी अगर एक टीचर है जो तुम्हारे लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो तुम्हें मजा किसमें आता है एक्सपेरिमेंट वाली क्लास में कि हाँ यार आज तो सर ने ग्लोब दिखा दिया और ग्लोब में मेरे को एशिया दिखा दिया अब मुझे पता है कि वो क्या चीज है तो फॉर्चुनेटली हम वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू कीप द कोर वैल्यूज इंटैक्ट ताकि सोशल इंटरेक्शंस कम ना हो लेकिन साइमल्टेनियसली गेमिफाइड लेयर्स एंगेजमेंट लेयर्स वो सारी बनाने के लिए ताकि बच्चे को मजा भी आए एंड इट्स नॉट लाइक अ वेरी वेरी बुलिश स्ट्रेन ऑन द पर्सन एंड ही इंजॉयज द क्लास तो कहीं ना कहीं अभी वो करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम to solve and we have been working towards it but that is my pretty much journey besides that main linkedin pe kuch karta rehta hu I put a lot of stuff on linkedin I do and that is wo bhi primarily isliye tha kyunki last ek saal se realize hua ki people have a very wrong notion about how product management is done I would not say wrong but I think it is more inferred like wo सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि तुम इनहेरिट कर लेते हो लेकिन हर बार इनहेरिटेंस डजंट वर्क द सेम वे हमारा इकोसिस्टम उस तरह काम नहीं करता राइट इट्स नॉट लाइक इफ यू टेक अजाइल एंड यू पुट अजाइल देयर आल्सो इन अ स्टार्टअप इट विल वर्क बिकॉज अनलाइक लार्ज ऑर्ग्स विच हैव सो मच मनी राइट स्टार्टअप्स के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है यार कि अगर उनका नेक्स्ट चीज नहीं चली तो उनका फंड रेज नहीं होगा या रेवेन्यू नहीं आएगा राइट तो कहीं ना कहीं It's slightly different and I started putting that in that way where I could put humor into it and simultaneously give value also. And that is what I do, a bunch of stuff around that. और तुम जैसे interesting लोगों से बात करता रहता हूँ. तो यही मेरी छोटी सी journey है यार. Thank you very much. Yeah. काफी ज़्यादा interesting journey है sir. From starting as a analyst and ending up as a product lead. तो काफी अच्छी journey थी, I would say. तो सर वही एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट मैनेजर डज लाइक कि कैसे सीखते कैसे हैं करते कैसे हैं हाउ कैन वन स्टार्ट इफ ही वांट्स टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड कहां से स्टार्ट करना होता है बिकॉज आई हैव बीन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एज अ प्रोडक्ट मैनेजर बट मेरे को कहीं दिखती नहीं है फॉर अ फ्रेशर एंड आपने भी जैसे कुछ टाइम एनालिस्ट की तरह काम करके फिर आपको एक स्टार्टअप में ही अपॉर्चुनिटी मिली थी इन जनरल नॉर्मल कंपनीज डोंट लाइक हैव प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स फॉर अ फ्रेशर तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लोग समझते हैं एक ग्लोरिफाइड रोल एंड ग्लोरिफाइड रोल टू सर्टेन एक्सटेंट है भी क्योंकि पैसा तुम्हें अच्छा मिल रहा है और प्लस तुम एक ऐसी जगह पे हो जहां तुम्हें स्पेसिफिकली एक चीज नहीं करनी है तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी है एंड व्हेन यू डू मल्टीपल थिंग्स एंड यू आर क्यूरियस अबाउट थिंग्स यू लाइक दैट जॉब राइट ये तुम्हें हमें मतलब दैट इज जस्ट अ नेचर ऑफ थिंग्स इफ यू आर गुड एट फाइव थिंग्स यू फील प्राउड अबाउट इट राइट कि हाँ यार मेरे को ये भी अच्छा आता है मुझे ये भी अच्छा आता है मुझे रिएक्ट भी लिखना आता है मुझे पाइथन भी लिखना आता है एंड आई कैन कोड एवरीवेयर राइट अब फंडा क्या होता है ना यार कहीं ना कहीं द होल प्रोसेस दैट द इकोसिस्टम फॉल्स इज कॉल्ड अ हर्ड प्रोसेस कि यार कि क्या कि नौकरी कैसे मिलती है सबके दिमाग में एक फंडा होता है यार एक बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाएंगे बोलेंगे ये तीन चार प्रोजेक्ट मैंने किए हैं ठीक है और ये तीन चार प्रोजेक्ट को भेज देंगे बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे यार पता नहीं यार कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता ठीक है लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अगर नौकरी चाहिए तो वो क्या करता है व्हाट इज द बेस्ट वे ही सेज कि लुक एट माय रेज्यूमे बट आल्सो लुक एट माय गिटहब प्रोफाइल व्हाट आई हैव डन देयर राइट अब गिटहब प्रोफाइल और रेज्यूमे साथ में भेजने का क्या तात्पर्य है मतलब क्यों भेजेगा क्यों पूछते हैं गिटहब प्रोफाइल के बारे में उससे बंदे का रेज्यूमे तो ठीक है बंदा अच्छा है उससे बंदे का एक्यूमेन भी समझ में आता है कि उसकी कोड क्वालिटी कैसी है क्या वो अच्छा कोड लिखता है क्या वो खराब कोड लिखता है क्या वो ऐसा कोड लिखता है जो ऑप्टिमाइज्ड है और क्या वो इस तरह का कोड लिखता है जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करेगा ठीक है अब साइमल्टेनियसली तू डिजाइन के साइड पे आ जा डिजाइनर के लिए भी तुम क्या करते हो तुम बोलते हो यार अपना डिजाइन पोर्टफोलियो दिखा दे राइट बट प्रोडक्ट मैनेजर के साथ ऐसा नहीं होता प्रोडक्ट मैनेजर के लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाता मैंने भी नहीं बनाया था ठीक है
अब फंडा क्या है यार, प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या है? एट द वेरी कोर क्या करता है प्रोडक्ट मैनेजर? यूजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इतना ही है ना, मतलब निष्कर्ष में तो यही है ना कि यूजर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दैट्स हाउ इट इज राइट। तो यार क्या मैंने क्या एक फिलॉसफी सीखी कि मैंने बोला यार कि दो चीजें हमेशा दिमाग में रखो, एक प्रोडक्ट मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुम कभी भी किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो मैं तुम्हें पहले पिलर्स बता देता हूँ, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज, यू शुड शो पैशन, क्योंकि पैशन बिल्ड्स परसीवरेंस। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर लाइफ में एक प्रॉब्लम डिटरमिनिस्टिक है उस पर क्यों दिमाग लगाना है। अगर दूध खरीदना है इट इज द डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम, उसके लिए मैं एक पीएम हायर क्यों करूंगा? मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए हायर करूंगा जिसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास प्रैक्टिकली, राइट? और मुझे पता है कि यार मुश्किल है करना, ठीक है। तो पहली चीज, अब वो कैसे हो सकता है? वो पैशन से ही हो सकता है कि यार कि तुम्हारे दिमाग में पैशन है, तुमने तीन सोल्यूशन अप्लाई किया लेकिन तुम इतने पैशनेट हो उसके बारे में, जैसे तुझे कुकिंग सीखनी है, तू क्या करेगा? तीन बार बनाएगा, चार बार बनाएगा, 15 बार बनाएगा, 20 बार बनाएगा, खराब बनेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर तेरे को शिद्दत से कुकिंग सीखनी है ना, यू विल इवेंचुअली मेक इट अ गुड डिश। सेम विद बॉडी बिल्डिंग सेम विद बॉडी बिल्डिंग हैपेंस। पहले 20 दिन बहुत दर्द होगी यार, ये होगा, लेकिन इवेंचुअली व्हेन इट विल स्टार्ट टेकिंग अ गेन ऑन यू, यू विल इवेंचुअली कीप ऑन डूइंग दैट, राइट? तो पहली चीज है पैशन, ठीक है। सेकंड थिंग इज प्रायोरिटाइजेशन, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है ना, यहाँ पे हम सोचते हैं पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन आउटफ्लो उससे कहीं ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। देयर वाज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट दैट इफ यू सर्च सिम्टम्स ऑन गूगल, दे विल शो यू द बेस्ट सिम्टम्स विद द बेस्ट SEO. They'll not show you the right symptoms. So, कहने का मतलब है कि prioritization बहुत important है product manager के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे steps ऐसे हैं कि तुम्हारे लिए तो वो नौकरी है, लेकिन अगर तुमने एक ऐसा step ले लिया app में कि मान लो app को paid से free बना दिया, अब ये एक छोटा सा फीचर चेंज है जो एक इंजीनियरिंग के लिए, वो क्या करेगा यार, वो बोलेगा ठीक है यार यूजर वेरिएबल को 0 से 1 कर देते हैं, सबके लिए ओपन कर देते हैं, लेकिन ये स्टेप इतना बड़ा हो सकता है कि ये कंपनी के विजन को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो सेकंड स्टेप इज प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक सेंस ऑफ फीडबैक, क्योंकि एज प्रोडक्ट मैनेजर मैं भगवान तो हूं नहीं कि मुझे सब कुछ पता होगा, चाहे मैं कितना ही अच्छा हूं, तो यानी कि मेरे में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आई एम रिसेप्टिव टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, राइट? और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ तुम्हें पॉजिटिव ही मिल रहा है ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ खराब हो रहा है तुम्हारे साथ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अब ये तीन चीजों को ना हम थोड़ा एक लेयर ऊपर लेके जाते हैं, जहां पे प्रोडक्ट मैनेजर बनना कैसे। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें जो अच्छी लगती है, मान लो यू वांट टू बिल्ड, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट पेट्स, यू शुड सी अ लॉट ऑफ स्ट्रे डॉग्स, यू से यार इनके लिए खाना नहीं है, ठीक है, तो हाउ डू आई बिल्ड अ सॉल्यूशन फॉर दैट? तो तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली क्या करोगे यार, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट? वो तुम कैसे कर सकते हो, तुम अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, तुम ऑनलाइन फोरम्स पे जा सकते हो, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एंड उसके बाद तुम एक स्केल निकालोगे, फिर तुम आइडेंटिफाई करोगे यार इस प्रॉब्लम के लिवर्स क्या है। जैसे मैंने तुम्हें तीन लिवर्स बताए कि यार कि एक ये प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहां उनको फ्री फूड मिल सके, सेकंड जो लोग देना चाहते हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, वो शायद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं लेकिन स्ट्रे डॉग्स वहां होते नहीं है, ठीक है, टिपिकली, जो भी तुम आइडेंटिफाई करो। और उसके बाद तुम फाइनली कुछ सॉल्यूशंस पे आओगे कि यार कि ये चार चीजें अगर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब जब तुमने ये चीज की ना, तो इससे मुझे क्या पता चला, मुझे निशांत का खाली रेज्यूमे नहीं पता चला, मुझे उसके सोचने का तरीका पता चला, सोचने का कि वो सोचता कैसे है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। अब यही सेम चीज अज्यूम करो कि तुम्हें स्विगी में अप्लाई करना है एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, उन्होंने बोला है कि अपना रेज्यूमे सबमिट करो, इतना ही बोला उनसे, ठीक है, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो यार स्विगी की, यार स्विगी एज अ फूड इकोसिस्टम, तुम पढ़ते हो उसके बारे में, कुछ रिसर्च करते हो, बोलते हो यार ये प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व नहीं किए, लेट मी जस्ट ना गिव इट अ शॉट एंड यू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड रेज्यूमे के साथ वो एक प्रॉब्लम भी भेज देते हो। अब उससे तुम्हारे इंटरव्यूअर को क्या पता चलेगा, सबसे पहले उस पाइल ऑफ रेज्यूमेज में वो बोलेगा नहीं यार ये जो लड़का है ना निशांत, इसने अपने रेज्यूमे के साथ एक असाइनमेंट भी किया जो हमने बोला भी नहीं था उसे करने को, एंड ही विल ओपन इट अक्रॉस, तो वो इंटरेस्ट उसका कैच करेगा, बोलेगा अरे यार बंदा तो स्मार्ट है, एक्यूमन तो है लौंडे में। तो तब क्या होगा, तब तुम्हारा जो सर्च क्राइटेरिया होगा ना, वो अब ब्रांड से चेंज होके आ जाएगा एक्यूमन पे,
कि मुझे तो एक अच्छा पीएम चाहिए, मुझे आईआईटी आईआईएम या हार्वर्ड नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे धंधे को ग्रो कर सकता है और यूजर वैल्यू ला सकता है. तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट, मेक अ पोर्टफोलियो, मेक अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ. एंड टिपिकली जिन कंपनीज में तुम्हें जाना है उसके लिए मेहनत करो और मेहनत करके कोई प्रॉब्लम उसको भेजो. सेकेंड थिंग इज स्टार्ट राइटिंग. अब राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम एसे लिखो, एसे नहीं बोल रहा हूं मैं, पुट कंस्ट्रेंट राइटिंग. मैंने लिंक्डइन पे क्यों लिखना शुरू किया था, उसके दो फंडामेंटल रीजन थे. पहला रीजन तो ब्रांड क्रिएशन है, वो सबको पता है. दूसरा रीजन मैं सिर्फ तेरे पॉडकास्ट पे आज बता रहा हूं. उसका रीजन है कि इट इज कंस्ट्रेंट राइटिंग. कंस्ट्रेंट राइटिंग का क्या मतलब होता है कि जब मैं तेरे को बोलूंगा यार कि निशांत राइट एन एसे ऑन योर यूट्यूब जर्नी, वॉट यू विल डू इज यू प्रोबेबली यू कैन पुट डाउन 5000 वर्ड्स फॉर इट. कि यार मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने फिर ये काम किया, फिर मेरा ये वीडियो चल गया. बट देन आई से नो आई वॉन्ट इट इन 100 वर्ड्स. नो आई वॉन्ट इट इन 100 वर्ड्स, दैट्स इट. आई वॉन्ट इट इन 100 वर्ड्स. अब तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा उस पूरे 5000 वर्ड के इकोसिस्टम में कौन से ऐसे चार आइडियाज हैं जो 80% मेरे पूरी जर्नी को डिफाइन कर देते हैं. तो तू क्या करेगा, तू वो लिखना शुरू करेगा. अब जब कोई बंदा वैसे लिखता है ना, लिंक्डइन में 1300 कैरेक्टर की लिमिट है, मैं उसके ऊपर लिख ही नहीं सकता. तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आइडिया को उतने में ही समराइज करना है. अब शुरू में क्या होगा, शुरू में इट विल बी लाइक वेरी बैड. मतलब मेरे को लिखा नहीं जा रहा, मतलब आई एम अनएबल टू, लोग डरेंगे यार कि पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, इट्स नॉट इवन, मतलब मेरे लिए एलिजिबल नहीं है. लेकिन जब तुम बिना डरे उस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली करते हो ना, तो सबकॉन्शियसली तुम्हारे मन में पता क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बन जाता है कि यार जब तुम उसी चीज को 6 महीने करोगे ना, एंड यू लुक रेट्रोस्पेक्ट बैक, तो 6 महीने बाद एक मसल मेमोरी टाइप बन जाएगी. तुझे ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा इन 10 चीजों में से ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज. अब इंटरव्यू में भी क्या होता है, इंटरव्यू में बंदा तुम्हारे पास आता है, वो तुम्हारे पास एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट बोलता है, हाउ कैन यू बिल्ड अ बेटर ऑर्डर डिलीवरी सिस्टम फॉर स्विगी. अब यू हैव 10 आइडियाज, राइट. What you do is in that 10 ideas, because you have built that subconscious memory, उन 10 में से तू 3 आइडिया ऐसे फिल्टर कर लेगा जो सबसे रेलिवेंट तुझे लगते हैं और उसे भी लगते हैं. और इन द फर्स्ट 2 मिनट्स यू कैच हिज अटेंशन, क्या यार इसने तो वही 3 बातें बोली जो सबसे रेलिवेंट है. तो वहां पे तुम्हारा सेकेंड स्टेप आ जाता है, ठीक है. थर्ड स्टेप मैंने बोला फीडबैक. फीडबैक से क्या होता है, जब भी तुम लिंक्डइन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखते हो या जहां पे भी तुम कुछ करते हो, लोग कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, लोग कुछ नेगेटिव बोलेंगे. लेकिन अब तेरे पास पहला वाला पॉइंट है पैशन. पैशन तेरे को कभी भी रिजेक्शन से डराएगा नहीं. तो क्या होगा, तू यू विल ऑलवेज टेक फीडबैक फ्रॉम इट कि अरे यार ये पर्सपेक्टिव तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये पर्सपेक्टिव तो मैंने सोचा ही नहीं था. एंड यू कंसिस्टेंटली कीप डूइंग इट. मेरी भी बहुत सारी पोस्ट पे लिखते हैं, मैंने एक पोस्ट डाली थी और उसमें काफी मेरे को नेगेटिव फीडबैक भी मिला, विच इज गुड. आई फील वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि people are actually going to put forward their opinions and I can take something positive from it, because then I can think on those opinions and it builds, diversifies my perspective. Ki tomorrow if I write something, I should think of this perspective also, right? To ye jo 3 cheeze agar tum karoge na nirantar 6 mahine mein, you would ideally see a transformation in yourself, not as a PM but as a thinker. As a thinker tumhe transformation aa jayega, kyunki you are doing something which you are passionate about, which you're very very happy about. And if you're very like agar tujhe cooking achhi lagti hai na, you don't make it because somebody says yaar khana acha tha, you enjoy the process in itself. Tere ko YouTube video banana acha lagta hai, to ye thodi na sochta hai ki yaar mere YouTube video ke 2 million views aa jayenge tab jaake main banaunga, aisa nahi hai. Matlab you enjoy that process, right? So second thing hota hai ki when you put constraint writing, it builds a sense of prioritization in your head. Abhi kya karta hai, you wanted to make a PM video because you realized the need of the audience is that they want to understand about this job, and that's why you reached out to me, right? Ki nahi yaar shayad ye bata sakte hain, theek hai, shayad bata sakte hain, shayad nahi bata sakte, but let me try it out. So that builds a sense of prioritization. And third is feedback. Ab isi video ka kuch feedback aayega, ya plus aayega ya minus aayega, usse teri kuch aur learnings hongi, and then you will move across to the next video, right? यही प्रोसेस तुम्हें 6 महीने करना है. 6 महीने करके देखो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो बन गया. जब भी तुम्हें जाना है तो तुम पोर्टफोलियो भी भेजोगे. सेकंड थिंग, तुम्हारा पैशन भी दिखेगा. थर्ड थिंग, तुम्हारे पास सबकॉन्शियसली यू हैव इंप्रूव्ड एज अ राइटर. एंड फोर्थ थिंग, दैट यू हैव इनफ फीडबैक. और फीडबैक को सबसे अच्छा तरीका, एक पीएम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ए पीएम शुड बी एक्सेसिबल. एक्सेसिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक्सेसिबिलिटी होती है, अब तू और मैं अगर मान ले यही वीडियो
बहुत ही फॉर्मली कर रहे होते और मैं आई वुड हैव स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक डू दिस डू दैट देन यू वुड हैव सेड यार कि यार इसमें तो मजा ही नहीं आया इसमें तो मजा ही नहीं आया. ठीक है तो फंडा क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका ऑफ बिल्डिंग एक्सेस इज ह्यूमर कि तुम हंसाओ लोगों को. हंसने से क्या होता है ना, लोग दिल खोल के बात करते हैं. तो एक बैकएंड इंजीनियर तुझे दिल से बता देगा यार श्रवण यार ये अभी तो पैच काम कर जाएगा लेकिन आगे जाके फट जाएगा, आगे जाके फट जाएगा. तो अब ये बात अगर मैं बोलूं यार कि मैं तो यार प्रिंसिपल प्रोडक्ट मैनेजर हूं या मैं लीड प्रोडक्ट मैनेजर हूं और फिर वो तो आके बोलेगा मैं तो बोल ही नहीं सकता भाई ये तो मेरी लगा देगा तो इससे बेटर है कि मैं बोलू ही ना. तो आई कीप myself accessible that way. So and the best way to do that is humor. And यही चीज, ये तीन चीजें अगर कोई बंदा शिद्दत से 6 महीने के लिए करे, मजाल है वो PM नहीं बन सकता from any background. But this needs persistent. No course, no book is going to teach you this. Those are just they remove edges. कि यार कि तुम थोड़ा structured सोच लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो. ये एक डेडिकेटेड प्रोसेस है बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजर्स आर इवेंचुअली थिंकर्स, राइट? और थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना, जब तू अच्छा PM बनेगा ना तो तेरी लाइफ में भी तेरे को चेंजेस दिखेंगे. यू वुड बी एबल टू प्लान बेटर, राइट? तो दिस इज अ प्रोसेस दैट आई टेल एवरीबडी. एंड जो इसे कर लेते हैं मोर ऑफन देन नॉट, मेरे को बहुत लोग आके बोलते हैं सर मेरा जॉब लग गया, मेरी काफी अच्छी नौकरी लग गई, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. जो लोग नहीं करते, जो लोग बोलते हैं कि हमें शॉर्टकट्स चाहिए, हमें कोर्स बता दो, हमें ये बता दो, तो एंड आई ऑलवेज टेल देम यार कि मेरे कोर्स बताने से कुछ नहीं होने वाला. मतलब वॉट एवर यू टू नो मोर, दैट्स द थिंग. इट टेक्स क्यूरियोसिटी, सो दैट इज द थिंग मैन. और क्या, ये कहानी है. ओके सर, तो काफी सारी चीजें समझने को मिल गई है, इतनी सारी चीजें सर ने बताई. अब एक और डाउट रहता है सबके मन में कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्सेस अ प्रोडक्ट मैनेजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ. तो यार देख, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंडामेंटली एक चीज पे कोशिश करता है कि यू राइट कोड. ठीक है, अब कोड लिखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ स्केलेबल प्रोडक्ट, अ डिजिटल प्रोडक्ट. ठीक है, right. कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैनेजर को सबसे पहले ये देखना पड़ता है, उसको पूरी यूजर की जर्नी देखनी पड़ती है. उसको देखना पड़ता है कि यार कि मैंने जो कंसेप्चुलाइज किया है क्या वो एक्चुअली एंड यूजर के लिए ट्रांसलेट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका मेट्रिक है. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, वो टिपिकली अपने जोन में रहता है कि क्या मैं एंड यूजर के लिए ट्रांसलेट करे ना करे, वो PM देख रहा है. मेरे को देखना है कि वो स्केलेबल है कि नहीं है, वो स्केल होगा कि नहीं होगा. कल को अगर 100 यूजर यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा कोड लिखना है कि वो 10,000 यूजर के लिए भी उसी एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट कर सके. देख, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, समथिंग कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सपीरियंस, समथिंग कॉल्ड वर्टिकल एक्सपीरियंस. Amazon प्रोवाइड्स यू बोथ. हॉरिजॉन्टल एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है, Amazon तेरे को सब कुछ देता है. यू कैन बाय अ पिन टू अ कार ऑन Amazon, राइट? लेकिन निशांत का एक्सपीरियंस उतना ही डीप और पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि निशांत का वेब पेज जो Amazon का होगा वो बिल्कुल केटर्ड टू यू होगा. अब इनस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग इट, बट दे स्टिल नो योर प्रेफरेंसेस एंड यू आर डूइंग अ सीमलेस एक्सपीरियंस. सो ये बनाने के लिए तुम्हें एक बहुत स्ट्रांग इंजीनियरिंग एक्यूमेन चाहिए, क्योंकि तुम हर एक यूजर का डेटा पॉइंट किस तरह स्टोर कर रहे हो, किस तरह डेटाबेस में रख रहे हो, किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो, उसको साइमल्टेनियसली किस तरह सर्वर पे भेज रहे हो, सर्वर के बाद किस तरह वो कंप्यूट हो रहा है, इंजेशन कैसे हो रहा है, उसको कंप्यूटेशन कैसे हो रहा है, फिर वो ट्रांसलेट करके उतनी आसानी से डिप्लॉय हो रहा है. ये होते हैं फास्ट अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो करते हैं ये चीजें. एंड ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअली बहुत डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट मैनेजर से, ये भी थिंकर्स ही होते हैं. इतना फर्क होता है कि उनके जॉब को वो बोलते हैं कि यार हमारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत हार्ड है, तो लेट अस कीप इट इन द डोमेन ऑफ बिल्डिंग स्केलेबल प्रोडक्ट्स. नहीं तो अगर इफ यू गो टू कंपनी लाइक नेटफ्लिक्स ना, वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही PM का काम कर लेगा, इतने स्मार्ट होते हैं, इतने स्मार्ट लोग होते हैं. और ये मेरे साथ भी होता है बायजूस में कई बार ऐसा होता है, मैं अपनी एंड्रॉइड टीम से बात कर रहा होता हूँ और वो कोई ऐसी बात बोलते होते यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, I never thought about it, right? So in the end, the game is of thinking only. The difference is product manager को थोड़ा सा ना लंबी जर्नी देखनी पड़ती है. उसको देखना पड़ता है कि मैं ideate सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ,
क्या मैं, क्योंकि उसको कोड नहीं लिखना ना, क्योंकि कोडिंग प्रोसेस इज ऑल्सो ए 1 month लॉन्ग प्रोसेस और ए स्प्रिंट प्रोसेस, वो उसको नहीं करना है. तो ही हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द वाई, वाई एम आई बिल्डिंग दिस, राइट? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर टिपिकली सेज, इफ ही इज अ ग्रेट प्रोडक्ट मैनेजर, ही नोज वाई ही इज बिल्डिंग दिस. आई नीड टू बिल्ड इट स्केलेबली, आई नीड टू बिल्ड इट कि कल को यार अचानक से मार्केटिंग ने बहुत यूजर्स ले आया तो फट ना जाए मेरा ऐप, फट ना जाए मेरा ऐप, तो मुझे स्केलेबली बनाना है इसको. जबकि मैं हमेशा से मानता हूं, मेरी इतनी इज्जत है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, कि जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, दे आर समटाइम्स सो गुड एंड बिकॉज दे बिल्ड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्राउंड अप, राइट? तो उनको पता होता है कि प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिकली क्या चीज और होनी चाहिए, एंड समटाइम्स दे कम अप विद डीप इनसाइट्स. द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज दे वर्क ऑन वर्टिकल इंटीग्रेशन, स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइटिंग द राइट कोड. प्रोडक्ट मैनेजर थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है, वो बोलता है कि नहीं यार डिजाइन कैसा होना चाहिए, फिर यूजर फीडबैक कैसा होना चाहिए, फिर बिजनेस मेट्रिक्स कैसे होने चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइम कितना होना चाहिए ताकि हम इवेंचुअली उसको प्रोड्यूस कर सके. इतना ही डिफरेंस है. एंड देर आर सो मेनी ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इफ यू गो इन टू कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, मोर ऑफन देन नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इवेंचुअली ट्रांसलेट टू प्रोडक्ट मैनेजर्स. मतलब कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे, कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि फंडामेंटल डिफरेंस सिर्फ अबिलिटी टू डू द राइट प्रॉब्लम इज, बट थिंकिंग एबिलिटी में अगर अच्छे लोग हैं कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं. ओके, सो सर आजकल ना सब चीजें पैशन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही हैं, सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? लाइक पैशन फॉलो करना, पैशन फाइंड करना, ये सब चीजें कैसे करनी चाहिए? अब बोल तो देते हैं सब कि पैशन फॉलो करो, बट वो पैशन मिलेगा कैसे? हाँ, तो यार सबसे पहले पता क्या होता है यार, देखो पैशन इकोनॉमी इज अ जार्गनिश वर्ड कि यार पैशन इकोनॉमी, पैशन इकोनॉमी, पैशन इकोनॉमी. देखो यार ये एक सच में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मतलब इट इज नॉट एन इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व, राइट? इट्स नॉट सो सिंपल टू से फॉलो योर पैशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं चीजों को. हम क्या करते हैं, हम टिपिकली बोलते हैं यार ये चीज अच्छी लग रही है, और कुछ देर तक अच्छी लग रही होती, बोलते हैं हमारा पैशन, ये हमारा पैशन. मुझे मैथ्स अच्छा लग रहा है 10th क्लास का, हम 11th में पहुंचते हैं, बोलते हैं भाई मेरी तो हालत खराब हो गई, मेरे को तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मेरे को तो मैथ्स 10th तक बहुत अच्छा आता था. अब पैशन स्पेसिफिकली क्या होता है, जो मेरे लिए हाउ डू आई डिफाइन पैशन? पैशन इज समथिंग दैट गिव्स मी, ट्रूली मेक्स मी हैप्पी डूइंग इट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन द प्रोसेस and living in the reward. एक difference है. Difference क्या है कि अगर आज की date में मैं reward से excited हूं कि यार कि मैं 11वीं 12वीं कक्षा में अच्छा करके IIT जा सकता हूं, तो वो मेरा passion नहीं है, क्योंकि मैं reward से driven हूं. क्योंकि अगर तू 11वीं 12वीं कक्षा में बहुत मेहनत कर ले, बहुत ज्यादा मेहनत कर ले, और तेरा IIT नहीं निकलता, you will be in despair, you will feel like बैड कि यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, यार काश मैंने 2 साल कहीं और लगा लिए होते. क्योंकि तुम ड्रिवन किससे थे, तुम रिवॉर्ड से ड्रिवन थे, और रिवॉर्ड तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं. लॉर्ड कृष्णा भी भगवत गीता में यही कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता ना करो, सिंपल सी बात है, लेकिन कितना सरल स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है, राइट? अब फंडा क्या होता है कि पैशन इकोनॉमी का सबसे सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि because of the stress of the corporate world, whatever amount of money they are getting, it is not giving them fulfillment, right? Like mere liye bhi kya tha ki yaar always leveling up in life, ki yaar main itna paisa kama lunga, jab main itna paisa kama lunga, jab main is position pe hunga tab main khush ho jaunga, tab main bahut khush ho jaunga, theek hai? karte 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 maine 5 position jo jump ki, main idhar pahunch gaya, but yaar badla to kuch nahi yaar, aaj paise bhi hain tab bhi badla kuch nahi yaar, difference kahan pe hai? तो मेरे को समझ में ही नहीं आया. देन आई रेट्रोस्पेक्टेड बैक एंड आई सेड कि यार कि आज की डेट में मुझे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जेन्युइनली मुझे करने में खुशी देती हैं, कि यार कि मैं बस कर रहा हूं और मुझे उसका आउटकम मुझे लेना देना नहीं है उस, मेरे को बस इतना है कि क्या मैं शिद्दत से इस चीज को कर रहा हूं. तो मैंने क्या किया, मैंने एक बकेट लिस्ट बनाई, मैंने बोला यार ये 5, 8, 10 चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, जो मेरे को ऑन द फेस अच्छी लगती हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद इट. एंड ट्रस्ट मी, ये अच्छी बात है. पीपल व्हेन दे टेल, व्हेन समबडी सेज ना कि आई नीड टाइम टू फाइंड माय पैशन, इट्स अ गुड थिंग, इट्स एन एक्चुअली गुड थिंग. मतलब
हमारे घर वाले जो इंडियन माइंडसेट होता है ना, क्यों हम धकेल देते हैं लोगों को कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम डॉक्टरी कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है यार, प्रॉब्लम है कि अभी तक वी आर ऑल पीपल, वी आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? क्या होता है कि तुम्हारी लाइफ में ना लेवल्स ऑफ लाइफ होते हैं, जब तुम एक लेवल पे पहुंचते हो उसके बाद ही तुम दूसरी चीज के बारे में सोच सकते हो। मान ले आज तेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो शायद तू पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, फिर तू बोलेगा यार कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट रियली एक्साइट्स मी, राइट? बट मेजॉरिटी ऑफ द हाउसहोल्ड्स में ऐसा नहीं है, तो उनको क्या होता है, वो बोलते हैं हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है, क्योंकि वो अपने जनरेशनली वैसे आए हैं, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं वो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीवन तुम्हारे लिए जिया कि यार कि मैं सैक्रिफाइस करूंगा तो मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर लेगा, लेकिन उनका माइंडसेट तो वैसा ही, उनको तो पता ही नहीं है कि पैशन इकोनॉमी जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है, कि हमारे बच्चे को वो भी करना करने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन फर्स्ट फिगरिंग आउट एंड टेक अ स्टेप बैक कि यार उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम 1 साल कुछ नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गैदर मोर एक्सपीरियंसेस, टॉक टू मोर पीपल, इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग एंड देन फिगर आउट कि यार ये 5 चीजें मुझे लगता है यार सेंसिबली मुझे समझ में आती है, ठीक है? पहली चीज पकड़ो और उसको करने की कोशिश करो, कुछ समय लगेगा तुम्हें करने में, और उसके बाद क्या होगा, तुझे ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा यार कि हाँ यार इसमें तो मुझे मजा आ रहा है। अब आज की डेट में जब तू यूट्यूब चैनल चला रहा है, तेरे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू आर एंजॉइंग दैट प्रोसेस, राइट? तो तेरे को मजा आएगा एंड यू विल कीप डूइंग इट, आई एम 100% श्योर यू विल कीप डूइंग इट, अनलेस एंड अंटिल गॉड फॉरबिड कुछ उल्टा सीधा बीच में हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम ना हो, भगवान ना करे कभी हो, बट ओवरऑल दिस इज समथिंग दैट यू विल कीप डूइंग, राइट? यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ इट, राइट? एंड इवेंचुअली क्या होगा, अगर भगवान करे तो सक्सेसफुल हो जाए एंड यू बिकम अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, यू विल ट्राई टू रीप बेनिफिट्स ऑन टॉप ऑफ इट, विच कैन बी एडवर्टाइजिंग, विच कैन बी प्रमोशनल बेनिफिट्स, विच कैन बी एनीथिंग अराउंड इट, बट वेन यू स्टार्टेड ऑफ दिस इज नॉट इन योर हेड, राइट? दिस इज नॉट कि आई विल रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फॉलोइंग योर पैशन, राइट? सेम थिंग आई टेल एवरीवन कि यार कि तुम वो चीजें ढूंढो जिसमें तुम प्रोसेस को ही एंजॉय करते हो यार, तुम्हें मतलब पेंटिंग इसलिए पेंटिंग नहीं करनी कि पेंटिंग अच्छी बने, तुम पेंटिंग करना अच्छा लगता है और उसको ढूंढना आसान नहीं होता यार। जैसे मेरे लिए वो आहा मोमेंट क्या था, जो मैंने कॉलेज में ऐप बनाया, मैंने बोला यार यार इसमें तो मेरे को बहुत मजा आया यार, ऐप बनाया और उसका मेरे को रिवॉर्ड भी मिल गया, लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, आई नेवर थॉट अबाउट इट, एंड द यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, राइट? क्योंकि और एक और बात मैं तुम्हें सच में बताऊं, मतलब आई विल टेल यू दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट, सो ऑस्कर वाइल्ड ने एक बहुत अच्छा कोट दिया था कि मोर ऑफन देन नॉट पीपल हु आर नॉट वरीड अबाउट द रिवॉर्ड आर टिपिकली 10x मोर सक्सेसफुल देन द पीपल हु वरी अबाउट द रिवॉर्ड, बिकॉज द स्ट्रेस ऑफ दैट रिवॉर्ड रिवॉल्व्स इन देयर हेड, इट ऑलवेज कीप्स स्ट्राइकिंग इन देयर हेड कि अगर ये नहीं मिला तो क्या, ये नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं, पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर हमसे बदला नहीं जा सकता, तो प्रेजेंट में जियो और एंजॉय करो, और वही जिंदगी का निष्कर्ष है भाई। बट यही है कि तुम्हें टाइम लगता है इस चीज के लिए, एंड इट इज नॉट एन इजी स्टेटमेंट, फाइंड योर पैशन एंड फॉलो इट, इट्स नॉट एन इजी थिंग, बट द ग्रेट पार्ट अबाउट बींग अ गुड थिंकर एंड बींग समवन बींग बिकमिंग एडमिरेबल इन लाइफ एंड बिकमिंग समवन हु डज ग्रेट थिंग्स इन लाइफ इज इन सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स। इजी प्रॉब्लम्स तो सब करते हैं ना यार, तो फिर हम जैसे इनोवेटर्स, तेरे जैसे लड़के, या फॉर दैट मैटर द पीपल हु आर पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स इन मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, वो कहां से आएंगे यार, उनको तो हार्ड प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है ना यार। तो कुल मिला के ये थॉट प्रोसेस जब तुम्हारे अंदर कंप्लीटली फिक्स हो जाता है, और अब मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हें पैशन फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है एज अ ह्यूमन, ये शायद थोड़ी डीप बात हो जाए, मुझे नहीं पता तेरी ऑडियंस को कितना समझ में आएगी, एज अ ह्यूमन यू एंड मी आर नॉन डिफरेंट। कैसे? तेरी खुशी और मेरी खुशी में कोई अंतर है, रीजन कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई अंतर तो नहीं है, तेरी पेन और मेरी पेन में कोई अंतर नहीं है, पेन जैसी तुझे फील होती वैसी मुझे भी फील होती है, राइट? रीजन उसका कुछ भी हो सकता है, यू माइट फील इट फॉर एक्स, आई माइट फील इट फॉर वाई, राइट? सो मेजॉरिटी ऑफ द इमोशंस दैट वी फील आर द सेम, राइट? तो कंपैशन, जो करुणा होती है, वो इमोशन भी तो सेम है, वो इमोशन भी तो सेम है। अब जब व्हेन यू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, राइट, व्हेन यू कीप ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड, राइट,
यू सी समवन इन पेन, समवन इन हैप्पीनेस, समवन इन एगनी, समवन इन डिस्पेयर, समवन इन ब्लिस, राइट? सो व्हेन यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद देम एज अ ह्यूमन, राइट, कि यार कि मैं इसको ये चीज क्यों हो रहा है इसके साथ, व्हाई इज इट हैपनिंग विद हिम, राइट, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज है कि शायद जो मेरे से बढ़कर शायद पूरे इकोसिस्टम को हेल्प करे, राइट? और वहां पे तेरे को समझ में आने लगेगा कि हाँ यार इसको मैं अपने, जैसे जो जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो नोबेल लॉरेट्स होते हैं, जो कि दुनिया के लिए बहुत काम करते हैं, वो अपना पैशन कैसे ढूंढते हैं, वो देखते हैं कि यार ये एक प्रॉब्लम है जो इकोसिस्टम को हेल्प करेगी, पूरे इकोसिस्टम को अच्छा बनाएगी, तो मैं अपनी लाइफ इसको डिवोट कर सकता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्यों मिसाइल के लिए डिवोट किया, उससे उसको क्या मिला, वॉट डिड ही गेन आउट ऑफ इट, राइट? He didn't gain anything out of it, right? So when you start thinking about beyond yourself and you think about compassion of the ecosystem in general, right? Then it is easy for you to find your passion. Because as long as you are just observant within yourself, you are a limited individual, right? But jab tum apni consciousness ko bolte ho ki meri consciousness jitni bhi mere connections hai un sab ki consciousness hai aur main bas observe kar raha hu, and at that point of time you will be able to find some things which are close to your heart, and once they are close to your heart, you'll be able to do great things in life, and then you can find your passion very very closely. And this is the concept of collective conscience, jo main basically likha bhi hu apne LinkedIn pe. Thoda sa gyan wala ho gaya, lekin it is important for people to hear. Yeah, I hope tum logo ko ye sari cheeze samajh aayi aur achhi lagi ho, kyunki kafi zyada interesting baatein kari hain puri is video mein. And thank you so much, sir, for taking out time. काफी ज़्यादा चीज़ें मुझे personally सीखने को मिली, and जो लोग देख रहे होंगे उन्हें भी मिली होंगी. So thank you so much. Yeah, it's okay, निशान. मतलब मेरे लिए तो यार बहुत ही अच्छा था. I always feel happy to meet people, interesting people, curious kids like you, and I'm happy to help anywhere. मतलब very very happy. And अगर anyone reaches out to me, I'm very active on LinkedIn. You will be able to find me there very, very easily. Please feel free to reach out. कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है यार, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता बिकॉज सच में मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज दैट्स द वे आई एम. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके, एंड डेफिनेटली आगे भी कुछ करेंगे यार, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. और सर की लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अगर कुछ तुम्हें डाउट वगैरह तुम सर से पूछ ही सकते हो. एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.